गुड मॉर्निंग, कैसे सभी दोस्तों? लखराजो इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे वीडियो देख पा रहे हैं, हम लोग वोकैबुलरी के लिए एक सेशन चालू किया है। अर्थात दोस्तों, हमने एसी हार्डविक का एक सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, इस वीडियो के जरिए हम एक्सरसाइज 16 के बारे में चर्चा करेंगे और वॉल्यूम 0। ठीक है, चलिए अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। अर्थात दोस्तों, वोकैब्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हुआ ये कि फर्स्ट वर्ड जो है इंटीमेट, INTIMATE, इंटीमेट कैटेगरी से एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है घनिष्ठ, क्लोज। ठीक है, यानी एक व्यक्ति होते हैं, उनके कोई घनिष्ठ, कोई मित्र आते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी क्लोजली फ्रेंड आते हैं, इंटीमेट फ्रेंड आते हैं। तो वो आए जब, तो काफी अच्छा खासा अटायर, AWTIRE जो कैटेगरी से नाउन है, इसका मतलब होता है पोशाक, ड्रेस। जब वो आया तो उनका पोशाक ड्रेस काफी अच्छा था, दिखने में हाव भाव में काफी सुंदर थे, स्मार्ट थे। वो आते ही उस व्यक्ति के पास, शायद वो उनके आने का कोई पर्पस होगा। वो आते ही बातों चीज में, जो नेक्स्ट वर्ड समझने प्रयास कीजिएगा, इंटीमेट जो कैटेगरी से भर में, इसका मतलब है सूचना देना। यहाँ पे दोस्तों देखिए, इंटीमेट जो कैटेगरी से एडजेक्टिव था, ये घनिष्ठ मित्र होता है, घनिष्ठ साथी, जो करीबी हो। और यहां पर इंटीमेट, अगर इसका कैटेगरी में वर्ब कर दूं तो ये इसका अर्थ होता है जो सूचना देना, यानी आप यूं कह लीजिए हिंट देना। ठीक है, मैसेज देना। वो आए और वो अपने घनिष्ठ के पास बैठ करके जो है क्या किया दोस्तों, इंटीमेट किए, यानी कि एक सूचना दी। खैर, ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के पास आए वो व्यक्ति जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हो, उद्योगपति हो, तो स्पेशली उनके इंडस्ट्री में, बात समझिएगा, जो हम यूं कह ले कि जो कंपनी चल रही थी वो मोल्टेन, MOLTEN, मोल्टेन एडजेक्टिव, इसका अर्थ होता है तरल पदार्थ, यानी कि कोई तरल पदार्थ, तरल पदार्थ जो चीजों को, बहुत सारे ऐसी चीज बनते हैं, आप यूं कह लीजिए, आप गारमेंट्स का उनका हो सकता है, या फिर बहुत बड़े प्लास्टिक कंपनी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हो सकते हैं जिन्हें तरल पदार्थों को, यानी मोल्टेन चीजों को चेंज करके कोई जो है सॉलिड चीजों में बनाया जाता है। और हम सभी देखते हैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे सामान ऐसे मिलते हैं। तो इस तरह का उनके बिजनेस था मोल्टेन। उन्होंने आए और हिंट दिया, उन्हें बोला कि देखिए सर, मैं आपके मैंने आपके जो है कंपनी में विजिट किया, मुझे देखने से लगा कि वहाँ कंपनी में कुछ काम जो है अच्छा नहीं चल रहा है, यानी हो सकता है कुछ गड़बड़ है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मैसेज दे देता हूँ, अर्थात दोस्तों इंटीमेट कर देता हूँ, आप थोड़ा पता करिए कि कोई दिक्कत ना हो। सर, अगर ऐसा होता है, आपके कंपनी में लोग टाइमली काम नहीं करते हैं, गलत काम करते हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि आप जो है, एक वर्ड है जो प्रोडिगल, जो कैटेगरी से एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है खर्चीला, प्रोडिगल। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है श्रेड, SHRED, श्रेड कैटेगरी से नाउन, इसका मतलब होता है क्षतिग्रस्त, यानी स्क्रैप। ठीक है दोस्तों, यानी वो बोले कि सर, अगर लोग, मजदूर जो है, लेबर जो है, आपके कंपनी में अच्छा से काम नहीं करेंगे, तो कोई हो सकता है मशीन में मिस्टेकली आग पकड़ ले, या कोई भारी भरकम आपका नुकसान हो जाए, इससे आपको क्या होगा, प्रोडिगल होगा, यानी ज्यादा आपका खर्च पड़ जाएगा। ठीक है, वो चीज खर्चीला हो जाएगा, इससे क्या हो सकता है दोस्तों, वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है श्रेड, मतलब नाउन का मतलब है क्षतिग्रस्त, यानी आपकी जो वर्तमान की पोजीशन है, या फिर कंपनी में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, वो खर्चीला हो जाएंगे मिस्टेकली और क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा सर, आप पे ये प्रभाव पड़ेगा कि आपकी कंपनी में जब ऐसा समस्या होता है, तो आप मे भी जो है बैंकक्रप्ट बन सकते हैं। बैंकक्रप्ट दोस्तों, इसका अर्थ होता है कंगाल, अर्थात इंसॉल्वेंट, यानी कि आपका दिवालिया निकल सकता है, कंगाल बन सकते हैं। ठीक है, आप शीघ्र ही कोई एक्शन लीजिए, वो व्यक्ति बोला जो क्लोजली था, यानी फोर्थवर्थ का मतलब होता है, फोर्थवर्थ जो कैटेगरी साइड वर्ब है, शीघ्र ही आप एक्शन लीजिए, और सबसे पहले आप वहां जाकर के वेरीफाई कीजिए, VERIFY, वेरीफाई मैंने सत्यापित कीजिए, कि जो आपके द्वारा एक सिस्टमेटिक सिंबल बनाया गया है, जो वर्ड है नेक्स्ट, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, यू कैन से दैट इट इज अ मार्क,
अगर जो आपके द्वारा आप विजिट करिए शीघ्र ही आप फोर्थवर्थ कीजिए, कंपनी में जाइए, वेरीफाई कीजिए कि जो आपने सिंबल बनाया, सिंबल दोस्तों इसका अर्थ होता है प्रतीक चिन्ह, ठीक है, यानी एक इसको इस सेंस में समझेंगे सिंबल का कि जो आप काम करने का सिंबल बना है, आप कहीं देखिए कि लोग उससे वंचित तो नहीं हो रहे। डिप्राइव का मतलब होता है जो कैटेगरी से भर रहे हैं, इसका मतलब होता है से वंचित हो जाना, ठीक है दोस्तों, कई लोग उससे वंचित तो नहीं है, यानी आप जो इंस्ट्रक्ट किए होंगे कंपनी में किस तरह काम करना है, लोग कहीं उससे डिप्राइव तो नहीं है, यानी वंचित तो नहीं होंगे, ठीक है। आप पहले जाइए और जा करके लोगों को अपने तरफ एक डिराइव कीजिए, DERIVE, ड्राइव का मतलब है प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, यानी प्राप्त करना, यानी लोगों का जो अवेयरनेस है, जो लोगों में भी एक नेगेटिव पॉइंट बन चुका है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, डिराइव कीजिए, प्राप्त कीजिए, उनके समस्याओं को समझिए, भाई आप लोग क्यों अच्छे से काम नहीं कर रहे, सभी लेबर को समझाइए, अगर उनसे फ्रेंडली तौर पे बात कीजिए, अगर आप बात फ्रेंडली तौर पे उन्हें समझाते हैं, उनके अवेयरनेस को प्राप्त करते हैं, उनके दुख दर्द को प्राप्त करते हैं, डिराइव करते हैं, यानी उनके रूठेपन, तो एक वर्ड है सलेन, SULEN, एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है रूठा हुआ, यानी उनका जो मोमेंट होगा रूठा हुआ होंगे, उन्हें कृपया आप मनाइए, बिकॉज आप सर आपकी कंपनी पूरी तरह से यूं कर लीजिए कि लेबर्स आर पिलर ऑफ योर कंपनी, यानी लेबर जो है आपके कंपनी के स्तंभ है, वो सही रहेंगे तो आपकी कंपनी बढ़ोतरी करेगी, आगे बढ़ेगी। तो वो व्यक्ति समझाया, वो गए, ठीक है दोस्तों, शीघ्र ही गए, वेरीफाई किए, उनके बाद आप उनके अकॉर्डिंग वो काम किए, और वो गए और उन्हें सलाह दिए कि देखिए हो सकता है जो लोग रूठे हैं, जो लेबर रूठे हुए हैं, आपका मैनेजर सर हो सकता है उन्हें किसी कारणवश सता रहा होगा, तभी तो रूठे हैं। सताना का दोस्तों वर्ड ये होता है कि परसिक्यूट करना, परसिक्यूट का मतलब होता है कैटेगरी से भर में, इसका मतलब होता है सताना, हैरेस करना, यानी आप कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को परसिक्यूट करता है तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है दोस्तों कि रूठना एक लाजिमा है, वो व्यक्ति रूठेगा ही। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो लोगों के बीच में कमी क्या है, मान लीजिए खाने पीने को लेकर के, पैसा लेकर, अगर मे भी फूड स्टफ, एक वर्ड है FOODSTUFF, फूड स्टफ का मतलब होता है दोस्तों खाद्य सामग्री, जो कि हार्डविक मीनिंग है इसके लिए नया, विक्टल्स, विक्टल्स का मतलब होता है दोस्तों खाद्य सामग्री, स्पेलिंग है VICTUALS, विक्टल्स जो कैटेगरी से नाउन है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है खाद्य सामग्री अर्थात फूड स्टफ, ज्यादा से ज्यादा उनके बीचों में प्रबंध करावाइए, अवेलेबल करवाइए, ताकि अगर लेबर खुश रहेंगे तो आप खुश रहेगा, आपकी कंपनी खुश रहेगी, बढ़ोतरी होगी, इस तरह का जो एक क्लोज व्यक्ति जो है वो अच्छा उन्हें हिंट देता है, मैसेज देता है। चलिए दोस्तों और क्या कीजिए सर, वो व्यक्ति बताया जो कंपनी के मालिक को, जो कि क्लोज व्यक्ति, उन्हें बताया कि जो मैनेजर अगर ऐसा गलती करता है, अगर लेबर्स को सताता है, यानी कि दोस्तों परसिक्यूट कर रहा होगा, तब आप उस पर मुकदमा चलाएंगे, ठीक है। मुकदमा चलाने का एक और वर्ड है परसिक्यूट करना, जो कि कैटेगरी से दोस्तों क्या है भरवे, इसका मतलब ये भी होता है मुकदमा चलाना, यानी उस पर मुकदमा चलाइए और उसको जो है किसी वजह से नहीं, उसके गलती से खास करके कुछ दिनों के लिए उस कंपनी से बाहर कर दीजिए। दोस्तों ये सभी कहानी खत्म हुए और साथ में वो कैप्स भी खत्म हुए। एक अगला वर्ड है एग्रीगेट का मतलब जो होता है, जो दोस्तों योग टोटल, एग्रीगेट का मतलब कैटेगरी से नाउन है योग टोटल, यानी इसको हम किस तरह समझेंगे, जितने भी आप वोकैब्स देखे कहानी के माध्यम से, स्पेशली एक सताए हुए लेबर पे था और एक बहुत ही बेहतरीन मालिक के ऊपर भी डिपेंड था, यानी योग अगर बात करें, टोटल बात करें, एग्रीगेट बात करें, योग बात करें, टोटल इस कहानी का अर्थ निकालने का प्रयास करें, ये होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वी रिस्पेक्ट ऑलवेज, हमें हमेशा मानवता का ख्याल रखना चाहिए, एक अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, उनके लाइफ के अकॉर्डिंग, एक सरल अर्थों में दोस्तों उनके समस्याओं को समझने का प्रयास कीजिए, और जब भी आपको मौका लगे तो प्लीज आप उन्हें हेल्प कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए
ये सभी बातें होते रहेंगी, कहानी आगे बढ़ते रहेगी, वो कैप सब सीखते रहेंगे। हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे और आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू।